हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के जरिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के स्टॉक को हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क पर हम लोगों ने दोस्तों पहले भी ढेर सारे वीडियो बनाए हैं। हम लोगों ने 8 फरवरी को भी एक वीडियो अपलोड किया था, जिस समय जुबिलेंट फूडवर्क के जो शेयर भाव थे वो तकरीबन 2750 रुपये पर चल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा रिव्यू वीडियो बनाया था 12 जून को, जब जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर भाव 3200 रुपये के आसपास चल रहे थे। और इन दोनों ही वीडियो में हम लोगों ने ये पाया था कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। और इस दोनों ही वीडियो के लिंक दोस्तों हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अपने मजबूत फंडामेंटल की वजह से ये स्टॉक आने वाले दिनों में मल्टी बैगर हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने उस वीडियो में एनालाइज किया था। तो दोस्तों, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स काफी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। ये तकरीबन आज 4100 का लेवल छुआ, उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते जिस प्रकार से मार्केट में बिकवाली हावी हुई, उस प्रकार से ये थोड़ा नीचे तकरीबन 4000 के लेवल के आसपास जाकर के क्लोजिंग दिया है। तो इस वीडियो के जरिए दोस्तों हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि जो तेजी बन रही है जुबिलेंट फूडवर्क में, क्या वो तेजी आगे भी जारी रहेगी, और अगर जारी रहेगी तो क्यों रहेगी, और जारी रहेगी तो किन स्तरों पर जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर को हम लोग ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे आने वाले दिनों में। और इसने अभी जो अपने रिजल्ट जारी किए हैं वो कैसे देखने को मिले थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। स्किप करने के बाद आपकी जानकारी से बहुत सारी बातें छूट जाती हैं जो कि इस वीडियो में बताई जाएंगी, और आप इसके चलते गलतफहमी के शिकार होकर के आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, मैं एज ए डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए बातों पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। आप अपनी राय खुद का बनाएं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेकर के ही किसी स्टॉक में बाई और सेल का डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। और जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो सेल्स ग्रोथ हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के अगर सेल्स ग्रोथ को देखा जाए तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ FY12 में तकरीबन 1000 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट करती थी, वो अभी तकरीबन 3300 करोड़ रुपए का ये सेल्स रिपोर्ट कर रही है। हालांकि FY20 के रेस्पेक्ट में, FY21 में इनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, जानते हैं, ये लॉकडाउन की वजह से इसके सेल्स में हम लोग गिरावट देख रहे हैं। लेकिन अगर पेंडेमिक सिचुएशन को छोड़ दिया जाए तो ये कंपनी लगातार काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पा रही है, ये इसके डेटा से हम लोग समझ पा रहे हैं, चार्ट से हम लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसके रेवेन्यू तो साल दर साल काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ रहे हैं, तो क्या ये कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है, जो अपना बिजनेस ये जनरेट कर रही है नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है कि नहीं, उसको जानना काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों कि बर्गर किंग ये भी सेम सेक्टर में है, लेकिन उसमें हम लोग प्रॉफिट होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इसके प्रॉफिट को देखें कि ये कंपनी प्रॉफिट निकालती है कि नहीं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग जुबिलेंट फूडवर्क्स के नेट प्रॉफिट को देख रहे हैं, और ये FY12 से सारे डेटा हम लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट निकाल रही है अपने रेवेन्यू से। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो नेट प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, कभी ये हाई देखने को मिलता है, कभी इसमें गिरावट देखने को मिलती है। FY17 में ये काफ़ी कम हो गया,
फिर से इसके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को जंप देखने को मिला। अब फिलहाल FY19 से इनके नेट प्रॉफिट में हम लोग गिरावट देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों QSR सेगमेंट से ये कंपनी आती है और ये काफ़ी नेसेंट फेज में है और इसकी वजह से इसके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और ये एकमात्र कंपनी है जो कि इस सेक्टर में नेट प्रॉफिट ला रही है और इसी के चलते इसके शेयर भाव हम लोगों को काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि नेट प्रॉफिट भी ये निकाल पा रही है अपने रेवेन्यू से, तो ये कितने मार्जिन पर बिजनेस करती है उसको भी देखना एज ए इन्वेस्टर काफ़ी अहम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके जो मार्जिन है वो लगातार फ्लक्चुएशन मोड में है। ये FY12 में तकरीबन 10% मार्जिन के साथ बिजनेस करती थी, जो कि घट करके FY17 में तकरीबन 2.25% के आसपास रह गया। उसके बाद फिर इसके मार्जिन में हम लोगों को एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और फिलहाल ये 2 साल से 7% के मार्जिन पर ये अपना व्यवसाय कर पा रही है। तो ये चूंकि न्यू सेगमेंट में ये कंपनी है और 7% का इनका मार्जिन है तो ये काफ़ी अच्छा है। कंपनी काफ़ी एक्सपेंशन मोड में है, हर साल ये नए नए स्टोर ऐड कर रही हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिसके चलते इनके मार्जिन हम लोगों को कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब चूंकि ये कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है तो हम लोग इसके डेट लेवल को भी चेक कर लेते हैं कि डेट लेवल कंफर्टेबल जोन में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके डेट इक्विटी रेशियो 1.14 देखने को मिल रहे हैं। तो इनके बैलेंस शीट में हम लोगों को डेट देखने को मिलेगा, लेकिन अब हम लोग ये बात करते हैं कि एक अपने डेट के इंटरेस्ट बर्डन को बियर करने के लिए सक्षम है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। तो यहाँ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम लोग चेक करें तो ये 4 times देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जुबिलेंट फूडवर्क्स कंफर्टेबल जोन में है, अपने जो इंटरेस्ट बर्डन है उसको ये बियर करने में पूरी तरह सक्षम है। और अगर इसके डेट बर्डन को देखें कि आखिर ये कितना इंटरेस्ट पे करती है, तो ये देखिए दोस्तों, ये तकरीबन 163 करोड़ का ये हर साल इंटरेस्ट पे करती है। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों कितने हैं, ये तकरीबन 800 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं, उसमें से ये तकरीबन 160 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे कर देती है। ये कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि जब कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, इनके बिजनेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी लोन तो लेती है और ये लोन को चुकाने में भी सक्षम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से ये कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, आने वाले सालों में भी ये अपने रेवेन्यू को बढ़ाते रहेगी और जिस प्रकार से इसने अभी तक अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है, उसी प्रकार से ये आगे भी रिटर्न देती रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल टारगेट की, कि आखिर ये स्टॉक इन स्तरों से कहां तक जा सकता है। इसके टेक्निकल टारगेट को चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग सीधे इसके टेक्निकल चार्ट पर आ गए हैं और इसके टेक्निकल चार्ट को देखने से यही समझ में आ रहा है ये स्टॉक लगातार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है और वर्तमान में 4040 पर क्लोजिंग दिया है। इसने आज ही फ्रेश लाइफ हाई बनाया था, उसके बाद इसमें हल्की सी बिकवाली देखने को मिली ऊपरी स्तरों से और ये 4040 पर क्लोज हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में ये कहां तक जा सकता है। तो इसके चार्ट पैटर्न को देख करके दोस्तों, डेली चार्ट पर ये देखिए साफ साफ ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखिए इन स्तरों पर ये ब्रेकआउट दे चुका है, अब आगे क्या हो सकता है। तो डेली चार्ट पर तो ब्रेकआउट दिया है, अब अगर हम लोग वीकली चार्ट पर देखें कि वीकली चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है, तो वीकली चार्ट पर भी हम लोग साफ साफ ब्रेकआउट होता हुआ देख रहे हैं इस स्टॉक में। अब हम लोग मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं, तो मंथली चार्ट में भी देखिए दोस्तों ये ब्रेकआउट दे चुका है और मंथली चार्ट में तो ये काफी पहले ही ब्रेकआउट दे दिया है। तकरीबन 3000 के लेवल पर जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और इसने ब्रेकआउट दिया था, तो मंथली बेसिस पर उसी समय इसने ब्रेकआउट दे दिया था 3000 के लेवल पर। और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा रखे हैं और उसके अनुसार से दोस्तों अगर हम लोग इसके आने वाले समय में टारगेट की बात करें कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को दोस्तों
एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना पड़ेगा, उसको हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जो पहला इसका टारगेट देखने को मिला था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ये 4133 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। और अगर लंबे समय में इसके टारगेट की बात करें कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को एक दूसरा हॉरिजेंटल लाइन खींचना पड़ेगा। इसको भी हम लोग खींच लेते हैं। और ये यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ये देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये कौन सा लेवल दिख रहा है दोस्तों, ये तकरीबन 5300 का लेवल, ये देखिए 5300 का लेवल इस स्टॉक में आने वाले दिनों में हम लोग आसानी से आता हुआ देख पाएंगे, ऐसा इसके टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। और फंडामेंटली तो ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है ही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले एनालाइज किया था, इसके लंबे टारगेट की बात की थी, अब ये उन स्तरों से 2750 के लेवल से जुबिलेंट फूडवर्क्स अब तकरीबन 4100 का लेवल छू चुका है। और अब यहाँ से भी हम लोग काफी तेजी इस स्टॉक में आने वाले दिनों में होता हुआ देख पाएंगे। और आपकी भी राय अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऊपर कुछ है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें। और आपके पोर्टफोलियो में अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे भी बताएं किस लेवल पर आपने इसे खरीदा था। और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।